खबर शामिल करते हैं। दोदखेल से जिली सदर पीटीआई यूथ विंग मियां वाली मलक उमेर सिकंदर के वालद मलक सिकंदर और चचा मलक हाजी सरफराज ने माड़ी इंडस कब्रस्तान पर कब्जा करके कब्रों को मिसमार किया, जो कि इंसानियत की बहुत बड़ी तजलील और कब्रों की बेहरमती है, जिसको महकमा माल भी कब्रस्तान करार दे चुका है। इन ख्यालात के इजहार समाजी रहनुमा राव नवाज खान हाथी खेल और समाजी कारकुन एजाज अनवर खान ने जारी प्रेस क्लब दोदखेल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। मजीद रिपोर्ट देखते हैं तनवीर आबिद खान की। समाजी रहनुमा राव नवाज खान हाथी खेल और एजाज खान जाजी ने अपने दीगर साथियों के हमरा प्रेस क्लब दोदखेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीटीआई यूथ विंग के जिले सदर मलिक उमर सिकंदर की खसरा नंबर 499 और 497 बटे 1 की अराजी से कब्रिस्तान को हदिया की गई अराजी के उनके दस से रात ने कारोबारी मकासद के लिए सालों पुरानी कब्रों पर एक्सीवेटर चलाकर हमवार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मदफून मरहूमिन मुसलमानों की बाकियात बाहर निकल आईं, जिस पर अहले इलाके ने एहतजाज किया और बतौर समाजी रहनुमा मुझे विजिट करने और आवाज़ बुलंद करने कहा। उनका कहना था कि मलिक उमर सिकंदर, उनके वालिद मलिक सिकंदर और चचा हाजी सरफराज वगैरह ने कब्र में समार और मर्दों की तजलील करके कानूनी जुर्म का इरतकाब किया है। वो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कराने के लिए जज मुतलका हुकाम से मुलाकात करेंगे। उनका कहना था कि अगर मलिक उमर सिकंदर कब्रिस्तान को हदिया की ज़मीन से दस्तार न हुए और मरहूम मरहूमिन की दवाकिन से मादगर न की तो वो सैकड़ों मुतासरीन लवाकिन के साथ एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि माकमवाल की हदायत के मुताबिक हमने कब्रिस्तान की डिक्लेयर की गई जगह पर हदबंदी कर दी है, लिहाजा मलिक सिकंदर और हाजी सरफराज को चाहिए कि वो मजहबी और अखलाकी तौर पर खसरा नंबर 497/1 और खसरा नंबर 491 जो कि कब्रिस्तान के लिए वक्त की गई है वो कब्रिस्तान के नाम मुंतकिल करा दें ताकि बाद में कोई मसाइल जन्म न लें। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा न किया गया तो हम उनके खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करते रहेंगे।